हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुख करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। यूपी के मेरठ जिले में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी विवाद में चाचा ने अपने ही भतीजे को बीच सड़क पर चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। यह पूरी घटना ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इत्तेफाक नगर इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के दौरान सड़क पर राहगीर जा रहे थे, लेकिन किसी ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश भी नहीं की। वहीं हत्या के बाद हमलावर भाग गया। फिलहाल घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, ये साजिद नाम के व्यक्ति हैं। इनके ऊपर इनके निकट रिश्तेदारों ने हमला किया है। बताया जाता है कि किसी जमीन के किसी टुकड़े को लेकर इनके बीच में कुछ विवाद है। जो तीन व्यक्ति इसमें जिनके बारे में सूचना आ रही है, वो तीनों इनके चाचा लगते हैं रिश्ते में। उनके द्वारा इनको मारा गया है। तुरंत ही इनको वहाँ से लेकर गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो गई। जनता ने बॉडी को ला करके कहीं रखने का प्रयास भी किया, उनको तुरंत ही समझा बुझा करके बॉडी को वहाँ से हटवा के मॉर्चरी भिजवाया गया है। हमारी टीमें निकली हुई हैं, हम जल्दी से जल्दी इन तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी करेंगे। जहाँ कोरोना की चौथी लहर को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है, इसी कड़ी में वही रायबरेली में जिला अस्पताल के वार्डों का औचक निरीक्षण करने सीएमएस नीतू साहू पहुंची। यहां ज्यादातर मरीज बिना मास्क के नजर आए और कुछ कर्मचारी भी बिना मास्क के दिखाई दिए। सीएमएस ने बताया कि गर्मी को देखते हुए अस्पताल में सभी सुविधाओं को सुचारू करने के साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि चौथी लहर का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन इससे बचाव के उपाय अगर कर लिए जाए हम सुरक्षित रहेंगे। कानपुर में डीजीपी मुकुल गोयल का आगमन हुआ और कानपुर आउटर में बने पुलिस कार्यालय और पुलिस लाइन का डीजीपी ने फीता काट कर उद्घाटन किया और डीजीपी ने बताया कि प्रदेश में हो रही हत्याओं की घटनाओं में कमी आई है। इसके साथ ही बरेली में दिए गए तौकीर रजा के विवादित बयान को लेकर कहा कि संवेदनशील बयानों को लेकर देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद को बने हुए जब नई कमिश्नर बनी है तभी यह जनपद क्रिएट हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं था पहले, और यहाँ पर बहुत जल्दी समय में पुलिस लाइन्स का बनना और पुलिस ऑफिस, ये यहाँ के अधिकारियों ने मेहनत की है। ये अच्छी बात थी कि पुरानी बिल्डिंग्स कुछ थी जो कंडेम हालत में थी, उन्हीं को इन्होंने रिनोवेट करा के एक शुरुआत की है। अभी काफी काम बाकी और है, लेकिन इसको भी शीघ्र पूरा कराया। संभल में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर जनपदीय 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 12 ट्रैक्टर बरामद किए हैं जिनकी कीमत 75 लाख बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। पिछले कुछ समय से कई किसानों ने आकर ये शिकायत की थी कि किसी व्यक्ति के द्वारा उनका ट्रैक्टर ले जाया गया है और उसके बाद में उस ट्रैक्टर का पता नहीं चल रहा है। इसमें आज ये पूरे गिरोह का खुलासा किया गया है, जिसमें मतेंद्र नागर, जितेंद्र, ये दोनों थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद, मोहरपाल और मुनेंद्र भूप सिंह, ये बदायूं और कासगंज के निवासी हैं। इन पांच लोगों को गिरफ्तार करके आज भेजा जा रहा है। इसमें इनका मॉडस ऑपरेंडी इस तरह से था कि ये किसानों से उनके ट्रैक्टर किराए पर लेते थे, किराए पर लेने के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे और उसके बाद में उन ट्रैक्टरों को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देते थे। इसमें इनके द्वारा काफ़ी फायदा कमाया गया, जो आज हम लोगों ने इसमें टोटल 12 ट्रैक्टर बरामद किए हैं इन लोगों की निशानदेही पर, जिनकी बाजारी कीमत लगभग 75 लाख रुपए है। इनमें से ज्यादातर ट्रैक्टर मथुरा के थाना सदर बाजार में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। मुखबिर की सूचना पर कुख्यात अपराधी हरेंद्र राणा को पेशी के दौरान पुलिसकर्मी पर हमला कर छुड़ाने से पहले ही गैंग के 6 लोगों को भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना को सफलतापूर्वक रोकने के लिए पूरी पुलिस टीम ने 25,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया गया है। एक कुख्यात अपराधी जिसका नाम हरेंद्र राणा है, जो की मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है और कई प्रदेशों में उसके ऊपर हत्या, लूट व अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं और इस समय पर वह गाजियाबाद जेल में बंद है। कल उसकी पेशी एक 2013 के मुकदमे में मथुरा कोर्ट में लगी हुई थी। उस समय पर 2013 में पेशी से वापस लौटते हुए इसके गैंग मेंबर्स द्वारा
पुलिस के ऊपर फायरिंग करके इसको छुड़ा लिया गया था। उस घटना में दो पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। उसी तरह की घटना दोबारा से करने के लिए ये योजना इसके द्वारा अपने गैंग मेंबर्स के साथ बनाई गई थी, जिसके चलते ये पूरा गैंग कल मथुरा में आया था, परंतु घटना करने से पहले ही पुलिस को इस चीज़ की जानकारी हुई। पुलिस के द्वारा चेकिंग लगाई गई, मॉक ड्रिल भी कल हमारे यहाँ चल रही थी, और इस पूरे गैंग के 6 मेंबर्स को एक सफल ऑपरेशन के तहत अरेस्ट किया गया है। अलीगढ़ में एसएसपी की ओर से अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के चलते बड़ी सफलता हाथ लगी है। इगलास पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी और लूट में शामिल 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 8 बाइक, 2 तमंचे और कुछ नकदी बरामद किया गया है। और जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों ने कई जनपदों में लूट और चोरी जैसी घटनाओं को स्वीकार किया है। कल दिनांक 23/4/2022 को वाहन चेकिंग के दौरान मुरसान तिराहे से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें 14 मुकदमों का अनावरण हुआ है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनके पास से 7 अदद मोटरसाइकिल और लूट के 12,670 रुपया और 2 अदद तमंचे और चाकू बरामद किए गए हैं। और इनके और साथी अभी फरार हो गए हैं, 5 साथी, उनकी भी तलाश की जा रही है। ये गैंग रोड पे लूट और एकांत में खड़ी बाइकों की चोरी करता था, इसी के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है। और सभी आरोपियों को, और इसमें जो मुकदमों का खुलासा हुआ है उसमें मथुरा, इगलास और आगरा के मुकदमे हैं। कल दिनांक 23/4/2022 को बांदा के नगर कोतवाली मवी बाईपास पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि तेज रफ्तार डंपर ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी और टेम्पो सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। गाड़ी वाले बाईपास से और कैंपर शायद सूरत से आ रही थी, जो स्पीड में था कैंपर वाला भी, तो गाड़ी से यहाँ पे आई है तो कैंपर वाले सोचे आगे से काट के ले लें, तो पीछे का हिस्सा लगा है गाड़ी में, तो ऐसे गाड़ी यहाँ पे आ गई। गाड़ी अंदर दुकान भी घुस जी। जब सर हमारे देखने के हिसाब से बहुत तेज आ रहा था रफ्तार ट्रक, तो ये गाड़ी सवारी गाड़ी है, ये बाहर तरफ से आ रही सवारी थी, ये गाड़ी पीछे लटका था और जो बैठे थे, तो जहाँ उसने रफ्तार देखी तो गाड़ी को और पूरी घुमा के यहाँ कर दिया, तो ही टक्कर पीछे लगी, तो जो टक्कर लगी तो जो महिला गिरी, महिला की बगल से पहिया चढ़ गया, निकल गया है, तो बहुत रफ्तार में था। कितने लोग खत्म हुए? 2 लोग लगभग हमारे साथ खत्म हो गए, एक तो इस पार में खत्म हो गए और एक शायद जिंदा है, एक पता नहीं। कहाँ की गाड़ियाँ हैं, कुछ जानकारी है? गाड़ियाँ लगता है यूपी आंसर लिखा है। बाईपास चौराहे पर एक डंपर से एक ये मैजिक महिंद्रा पिकअप का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष की डेथ हो गई, 3 लोगों के घायल होने की सूचना इनको अस्पताल में चिकित्सा के लिए भेजा गया। बिजनौर पुलिस डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देशन पर पुलिस लाइन में आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था कायम करने के साथ ही जनपद पुलिस को सशक्त करने के लिए बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। अभ्यास के दौरान पुलिस ग्राउंड में पुलिस ने जवानों का एक गुट, जो कि प्रदर्शनकारी बना हुआ था और पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, सभी रोकने के लिए पुलिस लगातार प्रयास करती हुई दिखाई दी, जैसे कि आमतौर पर प्रदर्शनों में होता है। पुलिस लाइन है, जब पुलिस दुरुस्त हो जाए तो कम वहाँ पर एक व्यापक पैमाने पर आप किसी छुट्टी के दिन एसपी सिटी साहब, सीओ लाइन साहब, आरआई साहब वहाँ पर ऑर्गेनाइज करें। और फायरिंग की भी एक प्रैक्टिस होनी है ईद के पहले, आप एंटी राइट इक्विपमेंट का जहाँ पर आपका फायरिंग कट है वहाँ पर भी आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसके साथ साथ जो एंटी राइट इक्विपमेंट है उसका रखरखाव डिस्ट्रीब्यूट।
वहीं पुलिस द्वारा प्रैक्टिस की गई, पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल का प्रैक्टिस किया गया। आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए ये सब तैयारियां पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। मथुरा के कस्बा राया में अज्ञात चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। कुछ अज्ञात चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर मकान में रखे 12 लाख रुपए और आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक परिवार बेटी की शादी में गया हुआ था। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने जांच के आदेश दिए हैं। भैया मैं कल शादी में गया हुआ था, अपनी मेरी बहन की शादी थी, तो शादी में गया हुआ था। तो अभी मैं सुबह आने वाले बच्चे आए, मेरे बच्चे ने बताया कि इनके ताले टूटे पड़े, तो मेरा सारा कैश और जेवर कितना कैसा मिला लगभग मेरा 12 लाख रुपये करीब कैश था, और बाकी जेवर है वो अभी मेरी गणना नहीं की है। अच्छा, मालूम कैसे पड़ा आप लोगों को? मालूम क्या, मेरा भतीजा है, मैंने भतीजे को, मेरी बहन है, उनको भेजा पहले कि ये गाड़ी जा रही है, तुम चले जाओ उसमें, मैं पीछे से सामान वामान सब समेट के सब लोगों से मिलके तब आता हूँ। तब तक भाई भी आ रहा था, दूसरी गाड़ी थे, वो जब मैं बस गए, भतीजे ने बताया चाचा यहाँ तो ताले टूटे पड़े हैं, तब मेरे को मालूम पड़ा, मैं पीछे से आया हूँ। गाजियाबाद के रॉयल गार्डन कॉलोनी में 15 दिन से बिजली न आने से लोग अंधेरे में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने नोएडा के विधायक पंकज सिंह के कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या से विधायक को अवगत कराया। वहीं पीड़ित लोगों का कहना है कि अगर बिजली की समस्या समय रहते नहीं गई तो प्रशासन और विधायक पंकज सिंह के कार्यालय पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। लाइट ही नहीं है, ना पंखा चल रहे हैं, ना पानी मिल रहा है, बच्चे घबरा रहे गर्मी के मारे। पंकज जी के यहाँ गए, उनके जो हथकाए जो काम करने वाले, उनने बोल दिया कि भैया हम तो कुछ कर सकते नहीं है, अभी विधायक किसी से बात करना है और बिजली घर में बात करना है। तो आपकी जमीन की जो रजिस्ट्री है वो हुई है? हाँ है, पक्की है जी। बिजली की वजह से बहुत परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी तो पानी है, बच्चे हैं छोटे छोटे वो बीमार पड़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई रुकी हुई है। मेरी माताजी रात को सीढ़ियों से उतर रहे थे, वो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है। इतनी परेशानी है सर कि पूछिए मत, कहीं भी जाइए सिर्फ आश्वासन मिलता है। यहाँ डूब क्षेत्र के नाम पर बड़ा पक्षपात हो रहा है। डूब क्षेत्र के नाम पे कॉलोनी कटी, कॉलोनी कटने के बाद लोगों ने अपने लाखों रुपये खर्च करके ज़मीन खरीदी, रजिस्ट्री करवाई, राजस्व विभाग का खजाना भर दिया। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब लोग रहने लगे तो सारा कुछ अवैध हो गया। ये कॉलोनी अवैध कॉलोनी में आ गई कि हिंडन के डूब क्षेत्र में आप बसावट नहीं कर सकते, आप घर नहीं बना सकते। आज बिजली या कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, लोग बाग परेशान हो रहे हैं, लोगों के घरों में बिजली नहीं है। पिछले 5 दिनों से लोगों के समरसीबल तक नहीं चले, यहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी लोग समरसीबल से निकालते हैं। अगर लाइट नहीं है तो पीने का पानी की व्यवस्था नहीं होती है, तो 5 दिनों से लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है, लाइट ही नहीं है। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।